लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी ग्रुप डी के लिए हम साइंस के लगातार प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। लगभग 1000 प्लस प्रश्न आपको कराएंगे और कुछ और एक्स्ट्रा भी करवाएंगे जहां तक कोशिश होगी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं। अमोनिया के सृजन होता है, अमोनिया को बनाने में काम आने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन तथा मीथेन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा डी। और क्यों बनेगा, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है, NH3। तो ये किससे बनता है, N2+H2। और पूछ लेता है कई बार किस प्रोसेस से बनता है, किस प्रक्रम से बनता है, तो हैबर प्रोसेस। क्या है, हैबर प्रक्रम या प्रोसेस। ठीक है भाई, यहाँ तक अच्छा। मीथेन का सूत्र पूछ लेगा आपसे, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन N2, मीथेन CH4, हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली, जैसे शुद्ध और फिर उसका उल्टा शुद्ध, यानी विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, प्लेटिनम। लेकिन कई बार क्वेश्चन चेंज होके आता है कि भाई पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन, फिर कुछ एल्यूमिनियम का नंबर आता है, लेकिन इनमें से नहीं है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हम जाएंगे प्लेटिनम, PT। जल का शुद्धतम रूप है, समुद्र का जल वो तो होता ही नहीं, वर्षा का जल, नलके का जल ये भी नहीं होता, आसूत जल भी नहीं होता, वर्षा का जल भी ऑप्शन। नेक्स्ट है पैरासीटामोल, PCM, पैरासीटामोल बोलते हैं, एक पीड़ा हर है यानी पीड़ा को हरने वाली है, पीड़ा होती बुखार के कारण, बुखार की प्रतिजैविक नहीं है, और एक सल्फा ड्रग में नहीं, पेट का अल्सर बनाता ये भी नहीं, तो ऑप्शन ए। क्लोरोमाइसिटिन है, प्रतिरोधी है, पीड़ाहर है, प्रति औषधक है, प्रति जैवणिक यानी एंटीबायोटिक। क्या है, एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइसिन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल अभियोजन तो होता ही नहीं, तोड़ना, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयनीकरण, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लास टेंथ में लेसन पुरानी बुक में 4 कार्बन तथा उसके यौगिक में से दिया गया है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज, तो ये क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। किस किस का मिश्रण होता है, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है, एक तरह का डाइसैक्राइड से यानी दो मोनोमर को मिला के बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजनों का लाभ होता है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ नहीं होता, हाइड्रोजन का लाभ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ये 10वीं क्लास में पहले ही लेसन से लिया गया है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो ये सभी को पता है 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ड्यूटेरियम का उपयोग D2O यानी बारी जल बनाने में इस्तेमाल होता है, और इनका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बाहर ही होती है, एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी होता है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन नहीं है, डी इज द राइट ऑप्शन। +2 क्लास में पूरा डिटेल से दिया गया सॉल्यूशन के बारे में, विलयन के बारे में। लाउंड्री साबुन क्या है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 12 जो लास्ट होगा, संश्लेषित अपमार्जक क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण नहीं है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, एरोमेटिक एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। तो संश्लेषित अपमार्जक है वसा वसा अम्लों के सोडियम लवण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए